विमानतळ आणि मेडिकल कॉलेजच्या लोकार्पण भूमिपूजन प्रसंगी उपस्थित देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी और जिनकी लोकप्रियता आसमान को छू रही है ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज उपस्थित राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी है, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी है, वाहतूक मंत्री नायडू जी है, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, अजीत दादा जी है, सभी अन्य हमारे मंत्रीगण, सांसद और विधायक, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले हरियाणा में मिली शानदार जीत के लिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सचमुच जीत हो तो ऐसी हो, एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कांग्रेस के लोग जलेबी बांटने लगे थे, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके अहंकार का गुब्बारा हरियाणा की जनता और मोदी जी ने फोड़ दिया, इसलिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। मोदी जी भारत के मन की बात जानते हैं, मोदी जी भारत के जनमन में समाये हुए हैं। जब भी विकास की बात होती है तो बस मोदी जी की बात होती है और मोदी जी की याद आती है। आज नागपुर में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शिरडी एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का भूमि पूजन आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन हो रहा है। महाराष्ट्र मेडिकल शिक्षा में अव्वल स्टेट बनते जा रहा है। इस उपलब्धि के लिए मैं केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबका साथ सबका विश्वास, इसी मंत्र के साथ मोदी जी ने काम शुरू किया। हमारे लिए यह मंत्र एक मार्गदर्शक दीप स्तंभ की तरह है। मोदी जी का साथ, मोदी जी का विश्वास ही हमारी सफलता का मंत्र है। महाराष्ट्र में विकास का यह पर्व लाने के लिए हमें उन्होंने हमेशा सहयोग दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया है।